सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में हम कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जिस एक फंक्शन ऐसा जिसको कोई और फंक्शन कॉल कर रहा है। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक आपको हेलो बोल रहा है, एक गुड बाय बोल रहा है। बाय चांस गुड बाय वाला पहले चल गया तो, या बाय चांस हम हेलो नहीं बोल पाए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो हमें ऐसा करना है कि गुड बाय से पहले हेलो अपने आप चले। तो ऐसे ही और भी फंक्शंस होते हैं जो हमें ऐसे पहले चलाने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक का मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल बैक कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो स्क्रिप्ट टैग लिख लेंगे सबसे पहले। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, जैसे कि मेरे को फंक्शन, दो फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन डिस्प्ले कंटेंट, पहले तो यहाँ एक H3 बना लेता हूँ, कंटेंट इसी में डिस्प्ले कराऊंगा। ID H3 डिस्प्ले कंटेंट एक फंक्शन बना लिया। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID H3 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ इसके आर्ग्यूमेंट में भी टेक्स्ट आएगा क्योंकि हम इसको दूसरे फंक्शन के कॉल कर। मैं अब दिखाता हूँ फंक्शन कैलसी, कैलसी मतलब कैलकुलेटर। इसके अंदर दो चीजें दूंगा मैं, एक्स और वाई, मतलब दो नंबर एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट में दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, सम लेट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इससे क्या रिटर्न करेंगे, सम। अब मेरे को पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, आपको क्या लगता है, डिस्प्ले कंटेंट या कैलसी? बट मैंने कैलसी कॉल कर लिया तब भी पहले डिस्प्ले कंटेंट अपने आप चल जाएगा क्योंकि उसका टाइम स्पेंड कम है डिस्प्ले कंटेंट का, कैलसी का थोड़ा सा ज्यादा है, हमें नहीं पता चलेगा बट वो ऐसे चल जाएगा और हमारा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, एक कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, लेट रिजल्ट माय कैलसी 10.10 दे देता हूँ इसके अंदर। अब इस रिजल्ट को मैं डाल दूंगा माय दिस, माफ कीजिएगा, इसको डालूंगा डिस्प्ले कंटेंट में रिजल्ट को। तो अब ये सही से डिस्प्ले होगा चीजें। तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक इफ देयर इज एन एरर। मैंने कैलसी को माय कैलसी क्यों लिखा पता नहीं, मैं क्योंकि यूजुअली माय कैलसी लिखता हूँ, आज मैंने कैलसी लिखा। तो चलिए फंक्शन वापस रन रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं यार 20 आ चुका है, बट हम ऐसे ना करते तो नहीं आ पाता। जैसे कि मैं पहले डिस्प्ले कंटेंट लिख दूं फिर वो कैलसी लिख दूं तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो इसी चीज को हम कहते हैं कॉल बैक। यूजिंग ए कॉल बैक हम कॉल कर रहे हैं कैलकुलेटर को विद अ कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पे कैलकुलेट, ये देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू कैलसी, यहाँ पे रिजल्ट डल चुका है। रिजल्ट को हम तभी कॉल कर रहे हैं जब डिस्प्ले कंटेंट हो रहा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी ये लेट रिजल्ट हमने लिखा तो यहाँ इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही। मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब मैंने डिस्प्ले कंटेंट के ऊपर कंसोल डॉट लॉग किया रिजल्ट, तो कंसोल में देखते हैं कुछ प्रिंट हो रहा है। ये रियल टाइम है नहीं है इसलिए आपको दिख रहा है, बट रिजल्ट तभी रन हो रहा है जब डिस्प्ले कंटेंट रन होगा, तभी रिजल्ट रन होगा, डिस्प्ले कंटेंट ही रिजल्ट को कॉल करेगा, तो तभी फंक्शन कैलसी वाला रन होगा।
एग्जाम्पल ये जो है ये बहुत ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, बट ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कॉल बैक को सिखाने का। सो आगे चल के हम और भी असिंक्रोनस फंक्शन देखेंगे जो कि कॉल बैक में यूज होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स आई एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पुट दैट इन क्यू सेक्शन। थैंक यू।